बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑथेंटिक केनियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम पालक के भजिए बना रहे हैं, पालक के क्रिस्प भजिए। और इसके लिए जो अशिया हमें लगेंगे उसमें है ये पालक एक बंडल या एक बंच पालक है, एक ये बड़ी वाली मिर्ची है। अगर ये बड़ी वाली मिर्ची नहीं मिली तो आप छोटी दो भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं भी यूज़ करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑप्शनल है ये। ये लाल मिर्च पाउडर है, अजवाइन है, ज़ीरा है और हींग है। इसके अलावा नमक है, हल्दी है, ये चावल काटा है और ये बेसन है। ये बेसन इतना सारा हम यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा ही यूज़ करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसको हमको बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है और इसको क्रिस्प बनाना है, इसलिए ज़्यादा बेसन का यूज़ नहीं करेंगे। और ये तेल है, तेल में हम यहाँ पर गर्म करके फ्राई कर देंगे। ये जो है पालक, हम इसको क्या करते हैं, मोटा मोटा सा काट लेते हैं, रफली चॉप करेंगे और फिर इसको मिक्स करके आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमने ये पालक जो है इसको मोटा मोटा सा काट लिया है, मिर्ची को भी मोटा सा काट लिया है। अब पालक को हम जो एक बाउल में ले लेते हैं। अभी ये हमारे मसाले हैं, ये सारे मसाले हम डाल देते हैं इसमें, ज़ीरा, अजवाइन, हींग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ये नमक। नमक अब बहुत ज़्यादा पालक में ना डालें, क्योंकि नमक डालने से पालक में वैसे ही नमकीन होती है पालक, तो उसमें नमक तेज़ हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो नमक जब भी डालें आप पालक में तो कम डालें। फिर इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं चावल का आटा। चावल के आटे की जगह आप अरारूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं करना है, नहीं डालना है तब भी चलेगा, ऑप्शनल है। अगर डालते हैं तो क्रिस्प ज़्यादा होते हैं, और नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं। और क्या होता है, चावल के आटे से ज़्यादा देर तक क्रिस्प रहते हैं। अब हम बेसन जो है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा बेसन एक साथ नहीं डालेंगे। हमने कढ़ाई भी रख दी है, तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है यहाँ पर। ये झटपट तले तैयार होने वाले पकौड़े हैं या भजी है, इसको बहुत देर नहीं लगती है बनाने के लिए, बहुत फास्ट और बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब क्या करना है, थोड़ा सा पानी का छींटा हमको इसमें लगाना है। ताकि बेसन इससे अच्छे से लिपट जाए। थोड़ा बेसन हम और डालते हैं। बस तैयार है ये। उसको हमको फ्राई करना है। तेल देखते हैं हम गर्म हो गया है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी नहीं हुआ है, थोड़ी देर और रुके आते हैं, गर्म होने देते हैं, तब तक इसको और थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, फिर फ्राई करके आपको दिखाऊंगा। हाँ नाज़रीन, ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको डालने का भी ट्रिक है, एकदम से ऐसा उठा के ये इस तरह से ढीला ढीला करके हाथ से डालना है। गोल गोल नहीं डालना है इसको, ऐसे ही मतलब फैला फैला के डालना है, ताकि पत्ते जो है वो अच्छे तरह से फैले जाए। आंच को मीडियम कर देते हैं। अब वो बच्चे क्रिस्प होने तक इसको तल लेते हैं। बहुत ज़्यादा करारे और बहुत क्रिस्प होते हैं और बहुत जल्दी बनते हैं। आप पालक साफ़ करके रख दो और बस थोड़े से मसाले मिला लो और फौरन झटपट से इसे फ्राई कर लो। अच्छे से क्रिस्प होने तक तलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, ये हमारे पालक के पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बने हैं। तो ये देखिए, आपको तोड़कर भी दिखा देते हैं, बहुत अच्छे बने हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत फास्ट और बहुत अच्छे बनते हैं और जल्दी बन जाते हैं। और अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पूरी रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।